तो दोस्तों हमारे सामने बहुत ही प्यारी सी काजू है और काजू के पप्पी का मैंने बहुत ही मज़ेदार नाम रखा है, बहुत ही प्यारा नाम रखा है। मैं आपको बताऊंगा तो आपका दिल खुश हो जाएगा। और उससे भी बड़ी खुशखबरी ये है कि पप्पी का आँख खुल गया है और ये अब देखना स्टार्ट कर दी है। तो चलिए मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ और काजू से भी मैं मिलवाऊँगा। तो देखिए दोस्तों बहुत ही प्यारा सा पप्पी है, देखिए आपको तो काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, देखिए बहुत ही प्यारा है। जैसे जैसे ये बड़ा होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। दोस्तों आज मैंने धूप में निकाला था इसे और अभी धूप काफ़ी हार्ड हो गया है तो अब मैं इसे घर ले जाऊँगा। देखिए तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसका क्या नाम रखा है मैंने। दोस्तों बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसका नाम किशमिश रखो, बादाम रखो, चेरी रखो, तो सबका नाम बहुत ही प्यारा था, सबका नाम बहुत ही अच्छा था। बट एक यूनिक सा नाम मुझे अच्छा लगा जो किसी ने कमेंट नहीं किया था, तो इसका जो नाम है मैंने रखा है फ्रूटी। देखिए जैसा इसका फेस है वैसा ही इसका नाम भी है, देखिए बहुत ही प्यारा सा। इधर फेस दिखा दो इसका, देखिए बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। अभी इसको काफ़ी ज़्यादा धूप लग रहा है, मैं इसको ले जाऊँगा बहुत जल्द। तो देखिए काजू को मैंने अपने गार्डन में लिया है, अब ये गार्डन ऐसा हो गया है, पहले तो कैसा था आप लोग को पता ही है। तो देखिए बहुत ही प्यारी सी है। तो दोस्तों ये जैसे जैसे बड़ी होगी मैं आपको अपडेट भी करूँगा। और अब मैं बता दूँ कि अभी भी इस पप्पी का जो खाना है वो मदर का मिल्क ही है। जब ये पप्पी 22-23 डेज का होगा तब इसके बाद हम इसको मतलब कि सेरेलैक से स्टार्ट करेंगे, वो सब भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी इसको केवल मदर का मिल्क ही हम लोग दे रहे हैं, तो वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार तो इसके 5-6 पप्पी हुए थे बट इस बार एक ही पप्पी हुआ है। बट कोई नहीं, बहुत ही प्यारा सा पप्पी है, फीमेल है इसलिए इसका नाम मैंने फ्रूटी रखा है। तो मैं आपको अपडेट करूँगा, सब कुछ बताऊँगा कि मदर को क्या करना है। अब दोस्तों जब ये पप्पी 14 डेज का होता है तो इसको डिवॉर्मिंग किया जाता है। बहुत सारे लोग या फिर बहुत सारे घर में या ब्रीडर लोग नहीं करते हैं, तो ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडियन स्पिरिट्स में आप 14 दिन नहीं 2-3 दिन और ज़्यादा लेट भी कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली इंडियन स्पिरिट्स थोड़ा सा कमज़ोर टाइप के होते हैं, तो आप कुछ लेट कर सकते हो 2-3 दिन 4 दिन, उससे ज़्यादा लेट आपको नहीं करना है। अब दोस्तों मदर का भी आपको डिवॉर्मिंग करना है टाइम पे। मदर का डिवॉर्मिंग नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकता है। और कई बार क्या होता है स्टार्टिंग फेज में अगर मदर का डिवॉर्मिंग नहीं होता है, मदर के स्टोमक में वॉर्म होता है, तो प्लासेंटा से और मिल्क से भी वॉर्म्स चले जाते हैं पप्पी में और पप्पी अकर अकर के मरने लग जाता है या फिर जो भी हो, तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए मदर का मेटिंग के टाइम में और उसके बाद भी आपको डिवॉर्मिंग काफ़ी अच्छे तरीके से करना है, लाइफ टाइम तक डिवॉर्मिंग करना है और विटामिन कैल्शियम सब अच्छा देना है। दोस्तों कैल्शियम के लिए मैं मदर के लिए ओस्टोपेट यूज़ कर रहा हूँ और विटामिन में वीटा बेस्ट यूज कर रहा हूँ, दोनों का रिजल्ट काफ़ी अमेजिंग है। तो यहाँ पर आपने देख लिया, तो चलिए वीडियो हमारा एंड होता है, हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ अपडेट करते रहेंगे। और सबसे लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से मिलवा देता हूँ इस प्यारे से पप्पी से, देखिए बहुत ही प्यारा है। देखिए अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है धूप के कारण बट हम इसको जल्द ही घर में ले जाने वाले हैं। देखिए चलो तो दोस्तों तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।